हाय गाइस, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑन माय चैनल इंक राइडर। तो फाइनली हम लोग जो है यजदी क्या एडवेंचर का टेस्ट राइड लेने वाले हैं। एंड सो या लेट्स ड्राइव, दिस गोइंग टू माय फर्स्ट राइड। तो स्पीडोमीटर चल नहीं रहा है बिकॉज इट्स अ टेस्ट राइड बाइक, बट या इनिशियल इम्प्रेशंस काफ़ी अपराइट सीटिंग पोजिशन है एंड पैराक से मुझे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट। गियर शिफ्टिंग इज स्मूथ, गुड पिकअप, गुड पिकअप। तो इफ़ यू आर एनी वन बिटवीन 5.5 एंड अबव तो ये बाइक परफेक्ट लगेगा, बट एनी थिंग बिलो आपको लगेगा कि आप थोड़ा सा ऐसे जंप कर रहे हो बाइक में। बट इसकी सीट जो और कम कर सकते हैं, सो या दैट्स वॉट माई फील, बट अराउंड 6 feet दिस बाइक शुड बी परफेक्ट। मिरर्स भी अच्छे हैं काफ़ी, जो पीछे का व्यू है वो दिख रहा है, बट अगेन वाइब्रेशंस आर नॉट मच। वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा फील नहीं हो रही है। इसमें जो नकल गार्ड्स ये सब सारे एक्सेसरीज में है, आई एम नॉट श्योर कि ये स्टैंडर्ड फिटिंग है कि नहीं। तो यार लेट्स गो सम ऑफ रोडिंग। सो गाइस सी, सैडलिंग आराम से कर सकते हैं, दिस इज ऑफ रोड। आराम से गड्ढों से निकाल सकते हो एंड आई मीन सेकेंड गियर, सुपर परफॉर्मेंस। सस्पेंशन इज सॉफ्ट बट एट द सेम टाइम इतना भी नहीं कि इसका जो फील है आपको नहीं आए। तो अभी मैं घुमा लेता हूँ वरना शोरूम वाले गुस्सा करेंगे। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी हार्ड कोर ऑफ रोड, बट या इसमें फील जो है वो आ सकती है। आई मीन मैं ये पैराग में करता था एंड मुझे इतनी अच्छी से फील नहीं आती थी, बट नाउ द गियरिंग इज शॉर्ट, वही एक प्रॉब्लम है। एंड इसका जो पावर है वो बहुत ऊपर डिलीवर होता है। एंड गाइस अभी आई गेस आई एम इन 680-690 एंड वाइब्रेशंस मुझे फील हो रही है, आई विल नॉट लाइ, बट ऑन द होल सीटिंग पोस्चर एंड राइडिंग कंफर्ट आई एम टोटली बाइंग इट। बहुत ही अच्छा है, ब्रेक बाइट इज़ वेरी गुड, रियर ब्रेक इज फिनोमिनल, आई सी नो इश्यूज। एंड घुमाना भी आप देख सकते हैं, बड़े आराम से घुमा सकते हैं, बट वही है इफ़ यू आर एनी वेयर बिटवीन 5 feet and 6 inches और मोर दिस बाइक विल बी सुपर कम्फर्टेबल। एनी थिंग बिलो दैट आपको ऐसा लगेगा कि आप थोड़ा सा हैवी बाइक जो है वो मैन्यूवर कर रहे हैं एंड यू विल लूज सम कॉन्फिडेंस। एंड इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ कर सकते हैं एंड अभी ट्रैक्शन कंट्रोल इसमें ऑफ है बिकॉज ABS की लाइट जल रही है, दिस मीन्स ट्रैक्शन इज ऑफ। तो व्हील स्पिन एंड ऑल जो ऑफ रोडिंग में कर जाते हो आप तो आप आराम से कर सकते हो। सी इंजन विल नॉक, अगर हायर गियर्स पे आप जाओगे तो इंजन नॉकिंग होगा। अभी मैं जगह में बैठ के चला रहा हूँ एंड नॉट अ सिंगल प्रॉब्लम, इट्स सस्पेंशन इज सुपर्ब। सैडलिंग इज परफेक्ट इन दिस बाइक, एंड इसकी जो बैलेंसिंग है वो भी बहुत बढ़िया है। हाथ छोड़ के चला रहा हूँ, इट्स परफेक्ट परफेक्ट, कोई एक तरफ बाइक नहीं भागती एंड ऑल्सो हैंडल जो है ऐसे ऐसे वाइब्रेट नहीं करता, विच इज गुड थिंग। सो ऑन द होल I guess this is Perak's engine on a ADV bike and Perak on steroids, that's what I have to say. It's superb, not a single problem. Stand जो है वो थोड़ा पीछे की तरफ है, तो जिसको जो फर्स्ट टाइम है मेरा तो मुझे स्टैंड का जजमेंट नहीं आ रहा है,
लाइक मुझे नीचे बहुत झुक के देखना पड़ा है कि स्टैंड किधर है, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग बाइक, स्टैंड भी बहुत ऊपर आता है, एंड अगेन कीज़ जो है ऊपर आ गई, तो SD के बाइक्स में सारी जो कीज़ ऊपर है जहाँ मैं साइड की तरफ लगता है, एंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज सुपर, विजिबिलिटी अच्छी थी हालांकि जो सन है आज इतना ब्राइट नहीं था, एंड या ग्लेयर ज़्यादा नहीं आता, ओनली थिंग है इसमें जो ग्रे ग्रे पोर्शन है ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इफ़ इट्स फुल स्क्रीन देन इट वुड हैव बीन बेटर, बट अदर देन दैट बैलेंसिंग इज़ गुड, डिज़ाइन इज़ गुड, फिनिशिंग इज़ गुड, पहले जो लॉट में था उसमें फिनिशिंग में थोड़ी प्रॉब्लम थी, बट इन दिस बाइक आई एम नॉट सीइंग एनी ऑफ दोज प्रॉब्लम्स, सो दिस द हज़ार स्विच, तो आपको आफ्टर मार्केट जाके हज़ार लगवाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, यू कैन सिंपली बाय द बाइक एंड गो फॉर टूरिंग, एंड वेट भी काफ़ी अच्छा मैनेज्ड है इसमें जो है लगा हुआ है, एंड थोड़ी हैवी लग रही थी फ्रंट साइड में, बट या दैट्स हाउ, यहाँ पे जेरी कैन हो ये सब लग जाएगा, एक्सेसरी सारा आ रखा है, आई विल शो यू, एंड दिस इज़ ऑल्सो एन एक्सेसरी जो कि हमारा हेडलाइट गार्ड है, सो वन मोर थिंग, अगर साइड स्टैंड नीचे होता है देन जो हमारा RPM है वो 1500 RPM से ऊपर नहीं जाता है, जस्ट सी दैट, अभी साइड स्टैंड में गाड़ी आई मीन सॉरी 2500 RPM से ऊपर नहीं जाता, आप देख सकते हैं, दिस इज़ अ सेफ्टी फीचर बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे साइड स्टैंड डाल के ड्राइव करते हैं, सो उससे बहुत प्रॉब्लम होती है, तो दिस इज अ सेफ्टी फीचर विच इज़ प्रोवाइडेड फॉर SD, एंड ऑल्सो दिस बाइक इज स्टोरिंग रेडी बिकॉज यहाँ पे जो है आपको हुक्स एंड ऑल भी दिया है, बिकॉज बंजी कॉर्ड्स जो भी आपको होता है वो सब आप आराम से इसमें जो है डाल सकते हैं, अदरवाइज माउंटिंग पॉइंट्स ढूंढना पड़ता है, बिकॉज आई नो मैंने भी अपने पैराक में जब कैरियर लगाया था माउंटिंग पॉइंट्स ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, बट दिस बाइक में आपको सारी माउंटिंग पॉइंट्स वो भी दे दिया है, एंड यहाँ पे जो टॉप बॉक्स है उसके लिए भी दे दिया है, सो आई मीन दिस बाइक इज़ परफेक्ट, जो छोटी छोटी टिटबिट्स होती है वो बहुत अच्छे से मैनेज किया इन्होंने और बताया है, फ्यू थिंग्स आई डोंट लाइक इन दिस एडवेंचर इज ब्रेक फ्लूइड, बहुत ही फ्लिमजी जगह पे रखा हुआ है, एंड ऑफ रोडिंग करते हुए यहाँ पे पत्थर वत्थर लगेगा, एंड टूट गया या कुछ हो गया तो बैक ब्रेक में प्रॉब्लम हो सकती है, वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो SD बाइक में जो रेडिएटर है इनमें जो साइड पैनल है वो नहीं प्रोवाइड किया, आई डोंट नो इस बाइक में नहीं है या क्योंकि मैंने दो तीन बाइक देखी उनमें जो साइड पैनल है वो बिल्कुल नहीं है, एंड दिस आर रॉ, तो ये बहुत गर्म है, एंड आप देख सकते हैं जैसे हमारे इसमें साइड पैनल्स दे रखा है बट इसमें जैसे साइड पैनल नहीं है, आई डोंट नो व्हाई दे हैव डन दिस बिकॉज बाकी उसमें भी नहीं है, सो मे बी इट्स डिज़ाइन फीचर और समथिंग, बट या साइड पैनल होता तो फिनिशिंग और एक बीफी लुक आता है वो इसमें मिसिंग है, फ्यू गुड थिंग्स इन दिस बाइक आर फॉर इंस्टेंस जो इसकी जो एक्सेसरीज है बहुत ही बढ़िया है, आपको सारी चीज़ें मिल जाती है, आफ्टर मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यू कैन टोटली लोड योर बाइक फॉर टूरिंग फ्रॉम द शोरूम, एंड सेकेंड चीज़ जो हीट शील्ड्स है वो बहुत अच्छी जगह पर दे रखा है, एंड इसमें भी आपको जो पैर जलना है चप्पल अप्पल भी आप पहन के चलाते हो, वैसे इट्स नॉट रिकमेंडेड बट इफ़ यू राइड इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, एंड मिरर्स काफ़ी अच्छा है, इट्स नॉट वाइब्रेटिंग एंड इट्स गुड इनफ, बाकी आप देख सकते हैं इसका जो प्रोटेक्शन है यहाँ पर काफ़ी वाइड है, एंड कोई भी जो जो ऑफ रोड करोगे तो मिट्टी विट्टी जो है उसके ऊपर नहीं आएगा, बिकॉज अभी मैं करके आया था वो जो रेड कलर का आप देख सकते हैं पार्ट यहीं तक आया है, ऊपर की तरफ नहीं आ रहा, विच इज़ गुड, एक काफ़ी जो है वाइड दे रखा है, एंड कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एंड बहुत सारे लोग ने मुझे पूछा था कि साइलेंसर में DB किलर है कि नहीं, बट आई एम नॉट एबल टू सी, इसमें कोई DB किलर नहीं है, तो या इंजन हीटिंग इतनी नहीं है, जो भी लोग चला रहे हैं इसको वार्म ही पड़ा हुआ है, बट वेदर भी थोड़ा सा ठंडा है तो अभी बता नहीं सकते, यहाँ पे तो वेल्डिंग थोड़ी सी फिनिशिंग ही ख़राब है, बट या इट्स एन एक्सेसरीज तो या बाइक में नहीं आता, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, क्लच इज़ गुड, स्टिल हैवी, इट कुड बी लाइटर बिकॉज इट्स एन ADV ब्रेक, क्लच काफ़ी यूज़ होता है, तो क्लच शुड बी लिटिल बिट लाइट, और वाइजर जो है लग चुका है, एंड विंड प्रोटेक्शन इज़ गुड, खैर हमें और स्पीड में चला के देखनी पड़ेगी, छोटे से स्पिन में हमें ये सब नहीं पता चलेगा, सो दैट्स इट गाइस, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन बाय, स्टे सेफ़।